भूतिया ब्लैक बोर्ड। क्लासरूम में लगे ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी क्लास टीचर नीलम बच्चों को संज्ञा पढ़ाते हुए कहती है, स्टैंड अप बंको, मान लो कि नैना व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसकी विशेषता बताओ। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए हमरी बॉडी से जान रे, जान ले लो ना जान रे। बंको बिहेव योरसेल्फ, मैंने तुमसे संज्ञा की विशेषता पूछी थी कभी कहीं के। सिट डाउन। चिंटू तुम बताओ। तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से बेंच बजाते हुए हंसने लगते हैं। तभी नीलम छड़ी घुमाकर चिंटू के सिर पर मारती है और सबको फटकारते हुए कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम सबको, पढ़ने की उम्र में आशिकी गिरी छा रही है। बेफिजूल की बातों पर बदतमीजी दिखाने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी है? आता है ना मैडम, हमको एक से बढ़कर एक फिल्मी संगीत। अरे वाह, बहुत खूब नैना, तुम्हारी ही कमी कसर रह गई थी। खड़े हो जाओ अपनी सीटों पर और हाथ ऊपर कर लो। I said stand up both of you। सभी बच्चे डरकर हाथ ऊपर करके सीट पर खड़े हो जाते हैं और टीचर कहती है, मैं तुम सबकी कारस्तानी के लिए तुम्हें एक बेशकीमती तोहफा देना चाहती हूँ। नीलम चौक उठाकर ब्लैक बोर्ड पर पेंटिंग ड्रॉ करते हुए कहती है, तुम सारे स्टूडेंट्स इस ब्लैक बोर्ड पर बने गधे के चित्र की तरह अव्वल दर्जे के गधे हो। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगते हैं। तभी ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किए हुए पेंटिंग का कलर एकदम से लाल हो जाता है और वो पेंटिंग ब्लैक बोर्ड से गायब हो जाती है। मैडम, ब्लैक बोर्ड वाला गधा तो रफू चक्कर हो गया। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड से गधे भी उड़न छू होने लगी है, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैडम, गधा गया, सच्ची का गया। ये सुनकर टीचर जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ पलट कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है, पर गधा ब्लैक बोर्ड से निकल कर आखिर कहाँ गया। फिर क्लास के सभी बच्चे ठहाके लगाकर एक साथ बोल पड़ते हैं, मैडम घास चरने गया गधा। नीलम फिर से चौक उठाकर जैसे ही उसे ब्लैक बोर्ड पर चलाती है, सफेद चौक की लिखावट लाल होकर खून की बूंदों में बदल जाती है। फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर से आ रही भयानक आवाज क्लासरूम के चारों ओर गूंजने लगती है, आओ सिखाए तुम्हें अंडे का फंडा, खेलेंगे हम सभी गिल्ली और डंडा। ये क्या हो रहा है, इस ब्लैक बोर्ड के अंदर से अचानक गाने की आवाज कैसे आ सकती है। ब्लैक बोर्ड से आ रही अजीबोगरीब भयानक आवाज ने नीलम के दिल में खौफ का घर कर लिया था। सभी नादान बच्चे ब्लैक बोर्ड की धुन पर नाच रहे थे। तभी क्लास की रौनक एकदम से डरावना भूतिया हो जाती है। सभी लाइटें भी अपने आप जलने बुझने लगती हैं और ब्लैक बोर्ड से आ रही आवाज फिर से दोहराती है, मरोगे सबके सब, मरोगे कोई नहीं बचेगा, ये भूतिया ब्लैक बोर्ड एक एक को निगल जाएगा। भूतिया ब्लैक बोर्ड की खौफ भरी आवाज सभी बच्चों के रोंगटे खड़े कर देती है और क्लास टीचर कहती है, बंकू चिंटू नैना जल्दी से क्लास से बाहर निकलो। सभी स्टूडेंट्स दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकलने लगते हैं और चिंटू हड़बड़ी में ब्लैक बोर्ड के पास गिर जाता है। तभी ब्लैक बोर्ड के अंदर से दो हाथ निकलकर चिंटू को अंदर खींचने लगते हैं और चिंटू कहता है, बचाओ मुझे टीचर, मेरी मदद करो, बचाओ। तभी भूतिया ब्लैक बोर्ड चिंटू को अपने अंदर खींच लेता है और चिंटू की सिसकियां हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। फिर क्लासरूम का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। फिर तेज तूफानी बवंडर और धूल भरी हवा स्कूल के मैदान को सूखे पत्तों से भर देती है और दिन का उजाला रात के अंधेरे में बदल जाता है। सभी भागकर प्रिंसिपल रूम में पहुँचते हैं और टीचर कहती है, प्रिंसिपल साहब, हम सभी की जान खतरे में है। क्या बात है मिस नीलम, फर्स्ट पीरियड में बच्चों को पढ़ाने की जगह आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रिंसिपल साहब, हम सबकी जान खतरे में है, क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड से अचानक दो हाथ बाहर आए और चिंटू को अपने अंदर खींच लिया। मिस नीलम, आर यू आउट ऑफ माइंड, होश में तो हैं? क्या आप क्या कह रही हैं? प्रिंसिपल सर, मैं वही कह रही हूँ जो मेरी आंखों ने देखा। ये सुनकर प्रिंसिपल सर स्कूल के गार्ड रामू को कहते हैं, रामू मैडम के साथ जाओ और उस ब्लैक बोर्ड को अच्छे से चेक करो। मिस नीलम, अगर आपकी बातों में जरा भी चोरी पकड़ी गई तो मैं आपको स्कूल से डिसमिस कर दूंगा। स्कूल गार्ड भूतिया ब्लैक बोर्ड के पास आकर कहता है, अभी तो हमारा शादी ब्याह भी नहीं हुआ है,
कहीं ब्लैक बोर्ड हमके आसमानी गार्ड के पास कुरियर न कर दे। रामू जैसे ही ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होता है, एक बार फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर से दो हाथ बाहर निकलते हैं और आधी चुड़ैल निकल कर कहती है, आ गया तू मरने के लिए। अच्छा है, अब मैं तुझे अपने भूतिया ब्लैक बोर्ड में शामिल कर लूंगी। अरे एक ऐसा चुड़ैल है जो ब्लैक बोर्ड के अंदर अपन बसेरा बना कर रहे थे। चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर अंदर खींच लेती है और उसके खून से ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिखकर अंदर समा जाती है, जिसे नीलम कप कपाते लफ्जों में पढ़कर कहती है, सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। नीलम भागते हुए प्रिंसिपल सर के केबिन में आकर कहती है, आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं था ना, वो भूतिया ब्लैक बोर्ड रामू को भी निकल गया। मौसम की दहशत भरा भयानक कह साफ बयान कर रहा है कि वो भूतिया ब्लैक बोर्ड हम सबको जिंदा निकल जाएगा। अरे हमारे पास कोई और चारा नहीं, हमें फौरन ही गांव वालों की मदद लेनी होगी क्योंकि हम संख्या में बहुत कम हैं। सभी पास के गांव में आकर उन्हें भूतिया ब्लैक बोर्ड के बारे में बताते हैं और रूपा कहती है, आप लोग इतना सोच क्यों रहे हो, अरे उस स्कूल में हम सभी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सभी पुरुषों को उनकी सहायता करनी चाहिए। आखिर हम उस भूतिया ब्लैक बोर्ड की चुड़ैल को कैसे खत्म करेंगे? चुड़ैल और भूतों का विशेष ज्ञान तो मोहन काका के पास है। हमें उस भूतिया ब्लैक बोर्ड को जलाना होगा क्योंकि हम उस भूतिया ब्लैक बोर्ड के अंदर जा नहीं सकते। फिर दोनों मिट्टी के तेल के कैन के साथ जल्दी मशाल को लेकर बढ़ने लगते हैं कि रूपा कहती है, तूफानी हवा की लहरें मशाल की लौ को ज्यादा देर तक जलने नहीं देंगी, ये माचिस अपने साथ ले जाओ। सभी जन हिम्मत करके क्लासरूम के उस भूतिया ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं और मोहनदास कहता है, बाहर निकल चुड़ैल, हम सभी आ गए हैं। तभी चुड़ैल भूतिया ब्लैक बोर्ड से आधी बाहर निकलकर हंसते हुए कहती है, इतने सारे मूर्ख इंसान एक साथ मेरी भूख का शिकार बनने आए हैं। तेरी हिम्मत है तो पूर्ण अवतार में इस श्याम पट्ट से बाहर निकलकर दिखा, क्या हुआ डर गई? मैं जानता हूँ कि तेरा ये शरीर सिर्फ आधा है, इसलिए तू बाहर नहीं आ सकती। जैसे ही हरिया ब्लैक बोर्ड पर मिट्टी तेल छिड़क कर उसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, चुड़ैल उसको अपने दोनों हाथों से दूर फेंकती है और खूब हड़कंप मचाती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहता है, ऐसे तो ये भूतिया ब्लैक बोर्ड सबको खत्म कर देगी, हमें स्कूल को बंद करना होगा। इस स्कूल से गांव के तमाम बच्चों का भविष्य जुड़ा है, एकता में बल होता है, हमको डर कर नहीं डट कर इसका सामना करना होगा। प्रिंसिपल और बाकी लोग चुड़ैल को भटकाने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर नीलम मशाल की लौ से ब्लैक बोर्ड को धधकती आग के हवाले कर देती है और चुड़ैल तड़प कर कहती है, बुझा दो इस आग की लौ को, मेरा अंग अंग जल रहा है, मैं तड़प रही हूं। मन में अगर ठान लिया जाए तो चट्टान को भी हिलाया जा सकता है। टीचर नीलम के कड़े संघर्ष ने न सिर्फ बच्चों का भविष्य बचाया बल्कि भूतिया ब्लैक बोर्ड का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सभी स्टूडेंट अंत में उसे कहते हैं, सॉरी टीचर, अब से हम कभी शरारत नहीं करेंगे। रामगढ़ गांव में विनय नाम का एक लड़का अपनी माँ लीलावती के साथ रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में काजल नाम की लड़की अपने पिता गिरधारी लाल के साथ रहती थी। गिरधारी लाल गांव का मुखिया था। विनय का दोस्त महेश भी विनय के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताया करता था। विनय और महेश दोनों ही काजल नाम की लड़की से प्यार करते थे, लेकिन काजल विनय से प्यार करती थी। विनय से जल्दी कोई बात करना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक छोटी जात वर्ग से था। ऐसे ही एक दिन काजल अपने पिता गिरधारी लाल से बोलती है, पिताजी क्या मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए जा सकती हूँ? अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, लेकिन हाँ तुम शाम होने से पहले ही घर आ जाना क्योंकि तुम्हें पता है ना गांव का माहौल कैसा है। अरे पिताजी मैं एक सरपंच की बेटी हूँ, मुझे छेड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ मेरी बच्ची तू शेरनी है शेरनी। इतनी बातें करके काजल वहां से चली जाती है और एक पार्क में वो विनय से मिलती है। काजल और विनय एक दूसरे को गले लगाते हैं और काजल को विनय बोलता है, काजल तुम रोज रोज मुझसे मिलने के लिए मत आया करो, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे मेरी जान तुम इतना क्यों डरती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। काजल ये बात तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन
तुम एक सरपंच की बेटी हो और मैं एक। बस भी करो ना, अब आगे इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। एक तरफ तो काजल और विनय आपस में बैठकर बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ महेश की नजर काजल और विनय पर पहुंच जाती है। उसको देख महेश खुद से बोलता है, अरे ये क्या, काजल इस नीच इंसान विनय से मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बेटा महेश, विनय ने तो बाजी मार ली और तू यहाँ पर मच्छर मारता रह गया, लेकिन मैं भी कम नहीं हूं। काजल मेरी ना हुई तो उसको मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर महेश पैर पटकते हुए सरपंच के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है। उसके बाद ये सब बताने पर सरपंच विश्वास नहीं करता और गुस्से में बोलता है, अरे ओ महेश, तू मेरी बेटी के बारे में जानता ही क्या है? तू मेरी बेटी के ऊपर इस तरह गंदा लांछन लगा रहा है। तुझे क्या लगा मैं अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन लूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर गिरधारी लाल महेश को अपने घर से धक्के मार के निकाल देता है। महेश को बहुत ही बेइज्जती फील होती है और वो गुस्से में बौखलाए हुए खुद से बोलता है, सरपंच, आज तो तूने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं तुझे इसका सबूत लाकर दूंगा और अपनी काजल को अपना बनाकर रहूंगा। इतना कहकर महेश वहां से चला जाता है और अगले दिन काजल और विनय का वीडियो बनाकर सरपंच को दिखा देता है। ये सब देखकर सरपंच बहुत ही गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद सरपंच विनय को मारने की सुपारी महेश को देता है। ये सब देख महेश सरपंच के घर से बाहर निकलकर खुद से बोलता है, अरे वाह महेश, एक तीर से दो निशाने वाली बात कर दी तूने, तो तूने तो एक तीर से दो निशाने कर दिए हैं सच में। इधर मुझे विनय को मारने की सुपारी भी मिल गई और सरपंच की नजरों में मैं अच्छा भी बन गया और कुछ दिनों में मैं काजल से शादी भी कर लूंगा। इतना कहकर वो विनय को मारने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद महेश विनय को जान से मार देता है और वहां से हंसते हुए चल पड़ता है। इस तरह अब रात हो जाती है। एक तरफ तो महेश चैन की नींद सो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विनय के शरीर में से उसकी आत्मा निकलकर गुस्से में महेश के पास आती है और उससे बोलती है, तू दोस्त नहीं गद्दार है, गद्दार। मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया, लेकिन तूने मेरे ही साथ गद्दारी कर दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर विनय की आत्मा महेश को मारने लगती है, लेकिन वो महेश को छू भी नहीं पाता। ये सब देख विनय खुद से बोलता है, अरे मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा, ये तो मेरी आवाज भी नहीं सुन रहा। मैं अपने प्यार और अपनी मौत का बदला कैसे लूं? मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा। इतना कहकर वो गुस्से में महेश के घर से निकल जाता है और अपने घर में पहुंच जाता है, जहां वो अपने तोते के अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरह वो एक मामूली तोते से भूतिया तोता बन जाता है और वो उड़ते उड़ते महेश के घर पहुंच जाता है और उसको आवाज लगाने लगता है, महेश महेश, तुम इतने चैन से कैसे सो सकते हो? आवाज सुनकर महेश की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने घर में चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसको सिवाय तोते के कुछ नजर नहीं आता और वो खुद से बोलता है, अरे महेश, लगता है मुझे कोई सपना आया था और उस सपने में मुझे कोई आवाज लगा रहा है। तोता एक बार फिर आवाज लगाता है और उस आवाज को सुनकर महेश बहुत डर जाता है। महेश तोते की तरफ डर भरी निगाहों से देखता हुआ बोलता है, ये तो तोता बोल रहा है, बाप रे बाप, इस तोते के अंदर भूत है क्या? उसकी बात सुनकर तोता हवा में उड़ने लगता है और अपनी आंखें लाल कर हंसते हुए बोलता है, तूने अपने दोस्त के साथ गद्दारी करी थी ना, अब तू नहीं बचेगा। गद्दार लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम विनय हो? अरे वाह, तूने अपना नाम तो बहुत ही अच्छे से पहचान लिया, गद्दार। महेश विनय से कुछ बोल पाता कि तभी विनय के भूत ने महेश की दोनों आंखों में चोट मारकर उसकी आंखें फोड़ दी और दर्द के कारण वो मर गया। जिसके बाद तोता उड़ते हुए सरपंच गिरधारी लाल के घर में जाता है और गिरधारी लाल को मारने के लिए पीछे लग जाता है। तभी वहां पर काजल आ जाती है और उस तोते को पकड़ने लगती है। जैसे ही काजल उस तोते को पकड़ती है कि तभी वो तोता रोने लगता है। उसकी आंखों से गिरा हुआ आंसू देखकर काजल ये समझ जाती है कि ये तोता विनय का है और उसके अंदर भी विनय है। काजल रोते हुए उस तोते से बोलती है, विनय विनय, तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हुई? मुझे तो मेरे बाबा ने कहा था
कि तुम मुझे छोड़कर भाग गए। नहीं काजल, मैं भागा नहीं था, बल्कि तुम्हारे पिता ने मेरे जिगरी यार को पैसे देकर मुझे मरवा दिया था। वो भी इसलिए क्योंकि मैं एक नीची जात से बिलोंग करता हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैंने तुमसे प्यार कर लिया, तुम्हारे घर की इज्जत घट जाती, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे मरवा दिया। विनय की बात सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख विनय बोलता है, मैं तुम्हारे पिता को नहीं छोड़ूंगा काजल, मैं अपनी मौत और अपने प्यार का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर विनय गिरधारी लाल को एक बहुत ही भयानक मौत दे देता है। और थोड़ी देर बाद विनय तोते के अंदर से निकलकर उसको बोलता है, काजल मैं अब इस दुनिया का नहीं हूँ और इसलिए अब मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। तुम भी अपनी आगे की जिंदगी शुरू कर दो, किसी अच्छे लड़के को देखकर तुम शादी कर लेना। इतना कहकर विनय उस तोते से मुक्त हो जाता है। काजल भी अब विनय को भूलकर अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले जाती है और खुशी से अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देती है।